स्पेंड करने वाले हैं 12 आवर्स, नॉट ए जोक, 12 आवर्स हम स्पेंड करने वाले किस में, एक स्लीपर में ढाबे के पास, जैसे ये वाला ढाबा। तो ये रही हमारी प्यारी सी बच, वैसे माशाल्लाह क्या जच रही है। तो ये रहा पिंक सिटी का गेट, अब हम पिंक सिटी के एंड। Hey guys, assalamu alaikum, this is Anuman Saqib and welcome back to the channel. Hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमारे नई ट्रिप की शुरुआत हो रही है, हम जाने वाले हैं जयपुर, और इस ट्रिप में हमारे साथ आपको पता ही इरशाद भाई मैं हूँ इरशाद मंजूर, और आप सबको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जा रहे हैं हम जयपुर, बाकी आगे नुमान भाई बताएं। ये वाली जो ट्रिप है ये हमारे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज इस लिहाज से हम स्पेंड करने वाले हैं 12 आवर्स, नॉट ए जोक, 12 आवर्स हम स्पेंड करने वाले किस में, एक स्लीपर में, एक ही कंपार्टमेंट में हम रहेंगे दोनों, और अगर हो सका तो एक स्टॉप हमें मिलेगा उसमें, और जो भी रास्ते में रहेगा वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी नहीं आएगी, इस ढाबे के पास आएगी हमारी गाड़ी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको गाड़ी भी, अंदर से क्या रहता है गाड़ी में, तो लेट्स गो। तो गाइस ये रही हमारी GK ट्रैवलर्स की बस, हमारी स्लीपर आ गई है यहाँ पर, तो अब हम चढ़ते हैं जयपुर। ये देखो कितनी बड़ी है, वाह, उससे भी बेहतर है ना। पिछले बार इसी में अच्छी, ये हमने तो रेड बस से की थी, ये रेड बस ऐप से हमने की थी बुक। तो ये रही ये हमारी एंट्री बस में, हाँ इरशाद और साकिब, क्या है KL है KL देखा होगा। तो फिर हम, ये हमारा कंपार्टमेंट है 12 घंटों के लिए, हमारे इस पे हमारे यहाँ के खाली, और अभी AC चल रहे है इसमें, यहाँ से भी। वैसे जो पिछला वाला व्लॉग था उसमें आपने ज़रूर देखा होगा, जो हमारी स्लीपर थी वो कुछ खास नहीं थी, इसमें हमारे लिए स्लीपिंग बैग्स भी है और बेहतरीन कुशन्स भी है और शू रैक भी है बहुत ही प्यारी, और यहाँ से रैक और यहाँ से मोबाइल रैक और चार्जर, पर इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। इरशाद भाई कैसा एक्सपीरियंस है रेड बस का? मैं तो सीधे ही लेटा, पहले आते इसमें लेटा क्योंकि हम थोड़ा थक गए थे, क्योंकि हम बहुत पैदल आए यहाँ तक, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू जो हम टिकट से मतलब ऐसे ही खुद करते हैं ना टिकट, हाँ। तो उससे तो कंफर्टेबल है ये जो ऑनलाइन करते हैं हम। अब सारी का तो नहीं बोल सकते, सारी सेम होगी, लेकिन ये वाली कंफर्टेबल है पहली वाली से। जिसको भी ऐसी मतलब ऐसी स्लीपर चाहिए तो रेड बस आपको प्ले स्टोर में जरूर मिलेगी, आपको हमारे से हेल्प होनी चाहिए, क्यों इरशाद भाई? बिल्कुल। हम ट्रैवल करते ही है रेड बस से, आप कोई भी ट्रेन हो जैसे स्लीपर हो आप बुक कर सकते हो, कैब हो। गाइस हमें मिला था चंडीगढ़ से जयपुर तक 1000 पर पर्सन, मतलब डबल स्लीपर का 2000 वैसे मिलता था, लाइक 2400 का मिल रहा था वहाँ पे, यहाँ पर 2000 का मिला ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन भी जरूर ट्राई करना और रेड बस ऐप भी जरूर ट्राई करना, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, खाली आपकी मदद के लिए है। तो निकलते हैं अब, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हमने सोचा था थोड़ी देर आराम करें, तो भैया ने नॉक किया यहाँ से, और वाटर बॉटल्स दो जो कि पैसे में नहीं है, फ्री है, हमें इंक्लूड है, वैसे ही टिकट में इंक्लूड नहीं था, नहीं GK ट्रैवलर्स की तरफ से, थैंक्स टू GK ट्रैवलर्स पानी की बॉटल हमें देने के लिए। तो अब थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो एक घंटे के बाद हमारी बस जो है वो रुक गई है, किस लिए, आज किसी को भी वॉशरूम जाना होगा, तो वैसे मैं भी नीचे उतरता हूँ, और इरशाद भाई तो नहीं मार रहे, मैं ऐसे ही जाऊँगा, थोड़ा सा थक गए हम थोड़े से, तो मैं भी जाता हूँ नीचे। हो गया जी वॉक अच्छे से, और ये बस रुकती कहाँ पर है, या तो रुकेगी किसी पेट्रोल पंप के पास या तो किसी ढाबे के पास, जैसे ये वाला ढाबा। तो ये रही हमारी प्यारी सी बस, वैसे माशाल्लाह क्या जच रही है, तो चलते हैं सीधे अंदर। हो गया, अब थोड़ी सी भूख लगी है, वैसे डिनर हमने किया था, डिनर में हमने बटर चिकन खाया था, उसमें खास मज़ा नहीं था, तो फिर भी अब इरशाद भाई ने कुछ यहाँ पर मंगवाया है हमारे लिए, बैग फिर भरा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करता हूँ रियल जूस, वैसे रियल फ्रूट पावर है, पहले ही ट्राई करते हैं, प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा पानी के बदले अब जूस ही पहले ट्राई करते हैं, फिर पानी भी पीते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वैसे इसकी पाइप यूज कर, इसकी पाइप यहाँ पर ये रही, अभी जैसे ये हमारे लिए एक चैलेंज था, अभी हमारे चैलेंज में कितना टाइम हुआ हमें इस बस में, इरशाद
आवर्स खाली हमें हुए इस बस में। अभी जैसे लग रहा है हमें, मुझे लगता है सालों हो गए इस बस में। बाहर का नज़ारा वैसे यहाँ से देख कुछ नहीं रहा है, वैसे यहाँ पर इवापोरेशन थोड़ी सी हो गई है मिरर्स में। अभी इसने बोला था मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो पर बहुत टाइम बचा है तो 10 घंटे हमें हुए स्लीपर में चलते हुए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी थोड़ी सी अच्छे से आई। इरशाद भाई यहाँ से अभी सोए हुए है तो अभी हम जयपुर नहीं पहुँचे, अभी भी आई थिंक 2-4 घंटे लगेंगे और हमें गुजारने होंगे यहाँ पर इस छोटी सी जगह में। वैसे गर्मी रात को मुझे इतनी लगी, क्या ही बोलूँ मैं, पानी मैंने इतना पिया, कम से कम 2-4 लीटर मैंने पानी पी गया, दोनों बोतलें मैंने खाली की। और हम उसको पता नहीं, हम जा रहे हैं जयपुर पिंक सिटी को, हम करने जा रहे हैं आज एक्सप्लोर, इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे और बहुत ही प्यार बरसाना। इन वीडियोज़ पर मेहनत भी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह का अच्छी खासी, तो चलते हैं देखते क्या रहता है आगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर इस गाड़ी की क्या लाइटनिंग इन्होंने की है, बहुत प्यारी। अभी कम ही टाइम है तो कर भी कह सकते हैं, तो चल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम आ गया है 6, तो हमारा स्टॉप अभी आने वाला है जीके ट्रैवलर्स अपोलो विक्ट्री। तो इरशाद भाई आपकी कैसी नींद रही आज रात भर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जागे ये क्या बोलते उसको वॉचमैन ये देख रहा था, मेरे को मेरे पे नजर रख रहा था, तो उसकी वजह से जो मैं कंफर्टेबल सोया। मुझे तो इसमें नींद आती नहीं है, वैसे पता नहीं क्या होता है मुझे इसमें नींद आती नहीं है। तो अब उतरते नीचे, इसके बाद हमारा स्टॉप आएगा। तो वैसे वेकअप कॉल भी आई थी रेड बस से, चलो उठो अब आपका स्टॉप आने वाला है। ये तो सो के उठा और ऐसे ही नहीं खाया है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर नींद आई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो वैसे ही मैं बैठा ही हूँ। और देखिए बाहर से नेक्स्ट स्टॉप अब हमारा है, तो चलते हैं। देखिए अंदर का कुछ भी रहा है यहाँ का। तो गाइस आप सोच रहे होंगे साकिब भाई अभी जो स्लीपर में था यहाँ पर क्या कर रहा है। वैसे हम 6 बजे जैसे आपको पता है हम पहुँचे थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना अब शाम को पिंक सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। ये है बाय द वे मेरे पीछे से पिंक सिटी का गेट, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और तो ये रहा पिंक सिटी का गेट, अब हम पिंक सिटी के एंटर अभी जाएंगे अंदर पिंक सिटी को और देखेंगे क्या क्या। वैसे अभी पिंक सिटी का मार्केट जो है वो बंद है, तो फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और ये रहा यहाँ से सारा पिंक सिटी का मार्केट, अभी ये वैसे क्लोज है, कल हम इंशाल्लाह आएंगे इसको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। जैसे इसमें कोई ये मतलब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे ये है इसको वैसे ही रहने देना है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये दुकान है कुछ पिंक सिटी की, और इस साइड से भी ये ऑल ओवर वहाँ तक है पिंक सिटी। अब थोड़ी डिस्टेंस तक हम जाते हैं फिर वापस ही आएंगे वहाँ से। मैंने सोचा शाम का व्यू भी क्यों ना आपको दिखाया जाए पिंक सिटी का, तो चलते हैं। और पिंक सिटी का ये भी है, इसमें हम एडिशनल वर्क नहीं कर सकते पिंक सिटी को, जैसे ये मतलब शॉप्स है और ऊपर से कुछ मकानात इन्होंने बनाए जो यहाँ पर रह रहे थे पिछले ही टाइम से ही। और अगर अब कोई चाहेगा कि मैं थोड़ा सा नया काम कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपने घर में, बाहर से अंदर से तो मुझे पता नहीं है, बाहर से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाऊं कलर में चेंज करूं, वो ये टोटली नहीं कर सकते क्यों। और जो ये पिंक सिटी है इसमें क्या है स्ट्रीट भी आपको जैसे फुटपाथ है उन पर भी पिंक कलर किया हुआ होगा, और शॉप्स पे भी जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो। और जो ये पिंक सिटी है इसको ओल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी जाती है पिंक सिटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखना चाहिए, आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।